गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर सदारजम डे टू। आज आ गए हैं हम गोवा। सॉरी कल का डे एंड में ढंग से नहीं कर पाया हूँ क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। आपको पूरा मैंने दिखाया, 20 घंटे का ट्रैवल किया है हमने, जबकि जो ट्रैवल 2 घंटे में हो जाता था हमने 20 घंटे में पूरा किया। अभी तक आपने देखे होंगे कि मेरे साथ हम दोनों के अलावा मेरे कजन्स भी जुड़ गए हैं, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट गोवा ना जाके मैं यहाँ से दिल्ली से मैं गया हूँ बैंगलोर, बैंगलोर से देन बाय रोड हम आए। तो अब आज हमारी एनिवर्सरी है और बेसिकली एनिवर्सरी के लिए ही मैं गोवा हम लोग गोवा आए हैं। और कल आपने देखा होगा कल की शॉट, अगर नहीं देखा है तो कल के वीडियो दोबारा देख लेना, कल हमने कैसे एक छोटे से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी इवन दो हम थक गए थे उसके बावजूद। आज हम आपको पूरा डे टूर कराएंगे गोवा में हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे इंजॉय करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसके लिए मिलते हैं तैयार। क्योंकि कल सनसेट हो चुका था, जब तक हम पहुंचे हैं तो हमने इतना खास एंजॉय तो कर नहीं पाए बीच का। आप ये देख सकते हो जो मेरा रिजॉर्ट है इसके आसपास का व्यू है। लेट्स गो। Two hours later. Okay, और बीच में मस्ती करने बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी एनिवर्सरी नाइट सेलिब्रेट करने। और ये आप रास्ता देख रहे हो, ये एक बिल्कुल माफिया लोकेशन टाइप लोकेशन है और ये है विगेटर बीच में हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लारिफ बीच रिजॉर्ट। मैंने सुना है बहुत अच्छा है, तो काफ़ी जगह यहाँ पे मैंने रिसर्च करी है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लोकेशन है जहाँ पे पार्टी हो रही है और उनमें से एक ये है, क्योंकि बाकी सारी जितनी पार्टियाँ होती ना वो मैक्सिमम दैट इज़ इन द बागा बीच लोकेशन, जो यहाँ से करीबन 1 घंटे की दूरी पर है, जो हम ऑलरेडी कल अपना होटल चेंज करें हैं टूवर्ड्स कैंडलिम, जो वहाँ से बागा इज़ लाइक हार्डली 5 मिनट्स की दूरी। सो आज हम यहाँ जा रहे हैं ताकि हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकें और इन्जॉय करें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखें कैसे क्या क्या हम करते हैं।